नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। मेरा ये वीडियो है हमारे देश की सबसे बड़ी उंगली करने वाली औरत स्वरा के लिए, क्योंकि स्वरा आज की तारीख में पेटा की एम्बेसडर नहीं है, तो वो ऑब्वियसली मीट खाती होगी। जिस दिन वो पेटा की एम्बेसडर बन जाएगी, जैसे उसकी सहेली पेटा की एम्बेसडर बन जाती है सोनम कपूर, तो वो बैठ के मीट नहीं खाने का प्रचार करेगी। अभी तक पेटा ने उसको इनवाइट नहीं किया है, इसलिए वो मीट खाती है। मगर वो चाहती है कि जो लोग मीट खाते हैं उनको हलाल मीट खाना चाहिए, ना कि झटका मीट, क्योंकि वो राइट विंग की सोच को प्रमोट करने वाले या सपोर्ट करने वाले ओपी इंडिया के आर्टिकल के ऊपर हंस रही थी, जहां पर उन्होंने लिखा था कि भारत के अंदर जितने भी भारतीय लोग हैं उनको झटका मीट खाना चाहिए, ना कि हलाल मीट। वो सोच रही थी कि ये सोच ऑब्वियसली कितनी ज्यादा इस्लामोफोबिक है। तो मैं इस गधी औरत को इतना ही कहना चाहती हूं कि क्या उसको पता है हलाल मीट कैसे पाया जाता है, किस निर्दयता से, बेरहमी से एनिमल्स को मारा जाता है टू गेट हलाल मीट, एंड the thought process to watch that animal suffer in pain, that is perfect with her। क्योंकि एक तरफ तो वो कहती है कि भारत के अंदर जो आदमी मुसलमान नाम रखता है उसको जानबूझ के टारगेट किया जाता है, मगर यहाँ पे एक जानवर को इतने निर्दयता से मारा जा रहा है to obtain a meat which is labeled as halal meat and she is okay with it। वो झटका मीट नहीं चाहती, झटका मीट जहाँ पे animal is killed in one go, because वो झटका मीट को प्रमोट कर रहे राष्ट्रवादी लोग। तो ये है इस उंगली बाई का दोगलापन, एंड इस उंगली बाई का दोगलापन हम एक्सपोज करेंगे, क्योंकि इसको ये राइट विंगर्स ही काफी प्रमोट कर रहे हैं। 1.2 मिलियन फेक फॉलोअर्स लेके ट्विटर पर बैठी है, काफी रिट्वीट्स भी आते हैं, तो इसका जो झूठ है ना, इसके झूठ को एक्सपोज हम जरूर करेंगे। क्योंकि एक तरफ वो कहती है कि भारत में मुसलमान होना एक श्राप हो गया है, और दूसरी तरफ वो चाहती है कि जानवर को इतनी निर्दयता से मारे, क्यों? क्योंकि उसको हलाल मीट प्रमोट करना है, क्योंकि हलाल मीट इस्लामिक देशों में खाया जाता है। ये है आपकी उंगली बाई। नमस्ते।